प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आर्ट बाय सुमन गर्ग। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुमन गर्ग। आज हम लिप्पन आर्ट में सिरामिक या पीओपी से लिप्पन आर्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, कैनवस। मैं कैनवस यूज कर रही हूँ। आप बोर्ड ले सकते हैं, वुडन प्लाई भी ले सकते हैं। मैं कैनवस यूज कर रही हूँ। कैनवस शीट, ये स्क्वायर शीट मैंने कट किया है। ऐसी प्लास्टिक शीट आप ले सकते हैं कोन बनाने के लिए। सीजर, पेंसिल, ब्रशेस, एक बाउल जिसमें हम पीओपी या सिरामिक पाउडर अपना मिक्स करेंगे। दिस इज पीओपी आई एम यूजिंग। सम वाटर, पेंट्स। मेजरमेंट के लिए मैं ग्लास यूज कर रही हूँ। आप ग्लास बाउल कुछ भी ले सकते हैं। एंड ये ग्लास पीसेस हमें चाहिए सर्कल और डायमंड शेप्स के एंड फेविकॉल। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने अपना पैटर्न इस पर ड्रॉ कर लिया। आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं अपनी चॉइस से। ये मैंने प्लास्टिक शीट ली है, इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। ये हमारी जो बच्चों की ड्रेसेस पे या साड़ीज पैकिंग वगैरह में आती है वो वाली सेलो फिर फिर नहीं, हम इधर रखेंगे। एंड अनदर थंब इज हियर एंड नाउ फोल्ड इट लाइक दिस। Then paste it with a tape, cello tape, any tape you have. अब मैं अपना पीओपी मिक्सचर बना रही हूँ। पीओपी मिक्सचर बनाने के लिए मैंने 1 glass पीओपी ली है। 1 glass पीओपी में हमें 50% वाटर प्लस फेविकॉल चाहिए। इट मीन्स की 25% वाटर एंड 25% फेविकॉल। वाटर प्लस फेविकॉल मिक्स इट प्रॉपरली। ये आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मेक श्योर इसमें कोई काटे लम्स ना रहे, वरना वो हमारी कोन में फंस जाएंगी और फिर हमें बनाने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास क्ले नहीं अवेलेबल है, अगर जैसे हम क्ले से ही बनाते हैं, अगर आप या फिर आप इस तरह का कोन बना के नहीं बनाना चाहते, तो आप इसमें वाटर थोड़ा सा कम यूज करके आप इसको आटे की तरह गूंद भी सकते हैं एंड देन यू कैन यूज इट लाइक अ क्ले। अभी मेरी अच्छे से मिक्स हो गई है। सी देयर इज नो लम्स।
अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कोन में डाल देंगे ताकि ये सूखे नहीं। आप इस मिक्सचर को फटाफट से कोन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, अदरवाइज ये सूख जाएगा। ये मैंने इसको पूरा फिल कर लिया है इसमें। अब इसको पीछे से ऐसे बिल्कुल टाइट, आप इसको रबर बैंड की हेल्प से या किसी थ्रेड की हेल्प से आप इसको अच्छे से टाइट बंद कर दीजिएगा। इसमें हवा पास, एयर पास नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पीओपी मिक्सचर सूख जाएगा। अब हम कोन को आगे से थोड़ा सा कट करेंगे, आइडिया से कि ज़्यादा ये मोटा भी ना हो जाए और पतला भी ना हो। देन चेक इट, अभी ये बहुत पतला है तो मैं इसको थोड़ा सा और कट कर रही हूँ। लिप्पन आर्ट के लिए हमें बहुत पतला पेस नहीं चाहिए होता है। ये देखिए, नाउ दिस इज परफेक्ट। ये अभी मेरा सिरामिक पाउडर पीओपी पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो गई है, मैंने इसको ओवरनाइट ड्राई किया है, उसके बाद ही मैं इस पर पेंट करूँगी। आप भी इसको अच्छे से ड्राई करके ही इस पर पेंट करना। अब इस पूरी पेंटिंग पे मैं एक बार वाइट एक्रेलिक पेंट कर रही हूँ।